हमारे इस क्लाइंट ने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई किया लेकिन मार्क्स कम होने की वजह से हर यूनिवर्सिटीज को रिजेक्ट करते और पढ़ाई में गैप भी बहुत ज्यादा था। अब इन तमाम चीजों को कवर अप करने के लिए इस यूनिवर्सिटी ने साजगार माहौल क्लाइंट को प्रोवाइड किया, ऑफर लेटर जारी किया जो स्टूडेंट के लिए बायस मसरत बना। असांग व्यूज, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग फिर से होंगे। यूपी वीजा इमिग्रेशन चैनल से आप लोगों को शानदीद कहता हूँ। एक होनहार स्टूडेंट जिन्होंने पहले यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, इनका जो ऑफर लेटर हमारे पास आया वो आपकी खिदमत में हम पेश कर रहे हैं ताकि आपकी हौसला अफजाई हो। और अगर आप ये समझते हैं कि यूनिवर्सिटी कम फीस वाली है और आप इसमें एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। जिस क्लाइंट के नाम ये ऑफर लेटर हुआ उसका तलक मीरपुर आजाद कश्मीर से था और उसका नाम मिस्टर वकार अली खान। आई एम प्लीज टू इन्फॉर्म यू that we can make you a conditional offer of a place to study following course at Thili University. That is a document from our immigration compliance and advice team. The university ne se khush aamdeed kaha ki hum aapko immigration ke matlab jo advice hai wo bhi provide karenge lekin jo course aapke documents ko dekh ke hum aapko provide kar rahe hain wo MSc applied child psychology karat paya. Start date 13 of September 2023 tha. 12 months taught master degree tha aur fee jo inki thi wo 18,800 pounds jo aajkal bahut kam fees consider ki jati और इसके अलावा डिपॉजिट पेमेंट जो थी वो 4000 पाउंड जो थी वो इन्होंने फौरी जो है वो यूनिवर्सिटी को पे करनी थी ताकि इनको अनकंडीशनल ऑफर जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी हो। यहाँ पे इनको कुछ कंडीशंस मदीद है वो बताई गई। आइल्स का जो स्कोर है वो 6.5 मिनिमम होना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो फिर ये अप्लाई नहीं कर सकते। और 6.5 अगर इनको स्कोर चाहिए मिनिमम तो 6 ईच तमाम बैंड्स में यानी रीडिंग राइटिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग में होना जरूरी है। एकेडमिक रेफरेंसेस होने चाहिए। इन्होंने कोई भी जो डिग्री का कोर्स है वो 3 साल पढ़ा हो तब ये अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे इनको एक सीवी का भी कहा गया कि अपनी एक एजुकेशन सीवी जो है वो भी बनाकर यूनिवर्सिटी की तरफ इन्होंने सेंड कर दी थी। एडमिशन की एक शर्त ये भी थी कि इनकी सेकंड क्लास अपर डिवीजन डिग्री जो है वो होनी चाहिए यानी तमाम मैट्रिक एफए बीए मास्टर्स तमाम जो इन्होंने डिग्रीज हासिल की है लेवल्स की उनमें सेकंड डिवीजन से कम नहीं होना चाहिए और ये इनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। अभी तमाम रिक्वायरमेंट जैसे ही क्लाइंट की पूरी होती है तो इनको मेल के जरिए डॉक्यूमेंट्स इनसे मांगे जाते हैं और जब ये अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोसेसिंग के लिए भेजते हैं इनको मजीद बताया जाता है कि अगर आपके मार्क्स अच्छे होते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से स्कॉलरशिप 6000 पाउंड्स तक जो है वो दे दिया जाता है। अकोमोडेशन के बारे में भी इनको बताया गया कि आपको अकोमोडेशन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का खास ख्याल रखते हैं और इसके अलावा अगर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज कमजोर है तो यूनिवर्सिटी में प्री सेशनल इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज भी करवाए जाते हैं। आपका सेशन स्टार्ट होने से पहले आपको 2 वीक्स का 4 वीक्स का लैंग्वेज का कोर्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो यूनिवर्सिटी जो है वो करवाती है। ये इस चीज को डेमोंस्ट्रेट करता है कि आप तमाम कंडीशंस को फॉलो करते हैं। 20 आवर्स इनको काम के भी दिए जा रहे थे। इस तरीके से कैली एडमिशन एंड इंक्वायरी टीम ने हमारे से राबता करके इनकी तमाम तफसीलात हमें फराहम की। अगर आपको ये हमारी मालूमात बेहतर लगती है और आप समझते हैं कि यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है तो काइंडली आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए हमारे से राबता कर सकते हैं या खुद भी आप इनको गूगल करके इनसे राबता कर सकते हैं। आई होप कि आपको हमारी ये कावश अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।